Is there any time limit to take GST registration after my turnover crosses the limit of 20 lakh or 40 lakh as the case may be? दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है कि यदि आपकी टर्नओवर 20 लाख कुछ स्टेट्स के अंदर और बाकी सभी स्टेट्स में आपकी 40 लाख की लिमिट है, तो यदि आपकी लिमिट 20 लाख या 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है, सब्जेक्ट टू जहां पर कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जिसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस पहले कर चुके हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि भाई, मेरा जब लिमिट क्रॉस होगी 20 लाख या 40 लाख की, तो मुझे कितने समय के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए? यदि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लेता हूं तो क्या इम्पैक्ट मेरे पर पड़ सकता है, और रजिस्ट्रेशन लेना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है? इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे 500 से ज्यादा यूट्यूब वीडियोज का लाभ उठाइए, अपनी जानकारी बढ़ाइए। दोस्तों, इस वीडियो में हम चूंकि बात करने जा रहे हैं टाइम लिमिट्स की, यदि मेरी टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गई है तो मुझे कितने दिन के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ए पर्सन शुड टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच पर्सन बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को 30 दिन के अंदर अंदर अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए जब वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 20 लाख और 40 लाख की टर्नओवर की लिमिट है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आपकी बन जाती है 19 लाख या 39 लाख से 39 लाख के बाद। जैसे ही आपकी टर्नओवर 19 लाख को क्रॉस कर जाए, आपको तुरंत जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है विद इन 30 डेज। यदि आप कुछ उन स्टेट्स में हैं जहां पे लिमिट 40 लाख की है, जैसे यूपी, दिल्ली, बिहार इत्यादि, तो उस केस में आपकी जैसे ही टर्नओवर 39 लाख को क्रॉस करेगी, आपको विद इन 30 डेज जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो सबसे पहली बात कि आप जीएसटी का इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाएंगे, दूसरा आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है, और तीसरा आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, चौथा क्योंकि आपने जीएसटी का इनवॉइस जनरेट नहीं किया तो आपने एक तरह से टैक्स की चोरी की, उस टैक्स पर भी आपको पेनल्टी देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी गाड़ी को अगर रास्ते में रोक लिया गया तो आपके माल को सीज भी किया जा सकता है। तो यदि आपकी लिमिट क्रॉस होने वाली है, आपकी टर्नओवर यदि 19 लाख या 39 लाख को क्रॉस कर चुकी है, या आपको लगता है कि अब जल्दी ही क्रॉस कर देगी, अब मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो जैसे ही आप लायबल होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एज पर जीएसटी एक्ट, आप विद इन 30 डेज अपनी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल कर दें। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है या लेंथी प्रोसेस है? तो ऐसा नहीं है, लगभग 5 से 7 दिन का टाइम लगता है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को अलॉट होने में, और यदि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज की जरूरत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको प्रॉपर गाइड करेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।